नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस वक्त प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां पर महिलाओं की नसबंदी के दौरान एक डॉक्टर अपने बर्ताव से स्वास्थ्य कर्मियों को नाराज करता है और फिर बेहोश महिलाओं को छोड़कर अस्पताल से चला जाता है। ये गंभीर मामला टीकमगढ़ जिले से सामने आया है। दरअसल टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में बड़ा गांव धसान के एक नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के लिए 30 महिलाएं और 3 पुरुषों को अस्पताल लाया गया था, जिनके नसबंदी के ऑपरेशन होने थे। इसी दौरान नसबंदी करने पहुंचे सर्जन डॉक्टर के चतुर्वेदी यहां स्वास्थ्य कर्मियों को गाली गलौज करने लगे। इस बात से ऐतराज जताते हुए जब स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध किया तो डॉक्टर साहब इतने नाराज हो गए कि बेहोश महिलाओं को अस्पताल में छोड़कर ही यहां से रफू चक्कर हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद आनन फानन में दूसरे डॉक्टर का इंतजाम किया गया। ठंड में महिलाएं जमीन पर पड़ी थीं, उनके ऑपरेशन कराए गए और फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर इस मामले में स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर के चतुर्वेदी के इस बर्ताव से बेहद नाराज हैं और उन्होंने इस बात की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। उन्होंने ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आपका? हमारा नाम रमा देवी। हम लोगों की चूंकि ड्यूटी यहाँ बड़ा गाँव ब्लॉक से यहाँ लगती है कैंप के लिए, तभी का हम लोग NSVT और मतलब नसबंदी था, उसमें ड्यूटी लगती है। इसमें आज हम लोग सभी कर्मचारी ड्यूटी में थे और जैसे ही हम लोग ओटी में पहुँचे, डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने पहले तो हम लोगों से बहुत अभद्र तरीके से बोले। तो हम लोगों ने कहा सर चिल्ला के रहो, तो बोले सीधी बाहर निकल जा, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया और हम लोगों को धक्का मार के ऐसे करके भगा दिया। तो हम लोग सारा स्टाफ वहाँ बाहर खड़ा हो गया। इसके बाद हमारे भाई लोग भी गए तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बात की, गालियाँ देना चालू कर दिए, तो भाई लोग भी सब बाहर हो गए। और हम लोगों ने कहा, इसके बाद भी फिर हम लोगों ने कहा कि सर आप अकेले कर लोगे, तो बोले कि ना, कुछ जवाब नहीं दिया और गाली भी देने लगे हम लोग को। तो ओटी के अंदर आप लोगों के साथ अभद्रता की गई? हाँ, ओटी के अंदर अभद्रता की है हम लोगों के साथ। वहाँ ऑपरेशन भी चल रहा था? हाँ, ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तैयारी थी हो गई थी पूरी। ऑपरेशन करने हाँ, कौन से डॉक्टर से? डॉक्टर चतुर्वेदी, के चतुर्वेदी। कितने बजे की घटना है ये? 4 बजे की घटना है। उसके बाद आपने कहीं कंप्लेंट की, अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया? वरिष्ठ अधिकारी को बताया और फिर इसके बाद हम लोग ने थाना में भी सूचना दी। इन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया और इसके पहले भी क्या बोलते कि इन्होंने हमारे बड़ा गांव ब्लॉक में भी अभद्रता की स्टाफ से, हर गांव के साथ बहुत बदतमीजी की। और पहले के सर आए थे, के सर आए थे छतरपुर से, तो उस टाइम पे जैसे वो आए तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ कुछ मारपीट वगैरह भी किए और केसेस को हमारे यहाँ मतलब एनेस्थीसिया काफ़ी देर पहले लग चुका था, तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि एक मतलब 50 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच में ऑपरेशन करना पड़ेंगे। तो वो लगे हुए इंजेक्शन के केसेस भी छोड़ के चले गए, जो कि प्रोटोकॉल्स के अनुसार थे। और फिर उसके बाद आनंद फानंद में मांडवी मैडम को बुलवाया और लकीली वो मिल गई हमें, वो घर पे ही थी, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आई और आके उनने फिर ऑपरेशन किया। अगर वो नहीं आती तो फिर हमें ये करना पड़ता कि जो बेहोश महिलाएँ थी उन्हें कुछ देर बाद होश में ला के उन्हें घर वापस भेजना पड़ता। ये अस्पताल में प्रति सप्ताह नसबंदी कैंप लगता है और इस बार भी नसबंदी कैंप लगा था। इसमें डॉक्टर के चतुर्वेदी छतरपुर से सर्जन थे, वो आए थे और ओटी के अंदर कर्मचारी उन्होंने अभद्रता की। इसके पूर्व भी बड़ा गाँव CSC पर भी नसबंदी कैंप होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कई कर्मचारी अभद्रता की है। और चूँकि कर्मचारी काम करते हैं, अभद्रता करवाने नहीं आते हैं, इसी कारण से हम लोगों ने विरोध किया। और वो नसबंदी ने केस के लिए आए थे, 33 केस पड़े हुए थे जिनको इंजेक्शन लग गए थे बेहोशी के, और वो बेहोशी के मरीज को छोड़ करके यहाँ चले गए और डॉक्टर अपने मांडवी साहू ने खड़ा करके। तो उसके बाद आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट की है? हाँ, हम लोगों ने हरिजन थाने से कंप्लेंट करी, क्योंकि हमारे साथ जो थे उन लोगों के साथ उन्होंने अभद्रता की। उधर इस मामले के सामने आने के बाद CMHO टीकमगढ़ अब इस मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जांच के बाद इस मामले में समुचित कार्रवाई की जाएगी। पेप्टिक टाइम पर फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, साथ ही हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।